तो उनको हम मैं आपको इश्योर कराता हूँ उसकी पेमेंट जो है मैं 100% निकालूंगा। यहाँ बैठे हुए ऊपर का रामानंद जी शायद है, उस व्यापारी ने वो अपनी दुकान बंद करके उसने पेट्रोल पंप खोल दिया था, मुझे याद है किशोर डिस्ट्रिक्ट की कंसर्न SSP से बात करके आपकी पेमेंट जो इंश्योर है उसको निकालूंगा और आपको स्ट्रांग बनाऊंगा ताकि हमारी जो ट्रेडिशन है वो स्ट्रांग होगी। ये मेरा सख्त संदेश है। एक प्रोसीजर हमारा ये है कि हम अपनी ट्रक रोक देते हैं और पहले उनकी पेमेंट क्लियर करो फिर गाड़ी लोड होगी। और दूसरा प्रोसीजर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, हम अपनी लेटर कंसर्निंग SSP को देते हैं और वो कार्रवाई करता है। उसमें ये भी कई बार देखा जाता है और कई बार हम अपनी गाड़ियां भी रोक देते थे और उनकी पेमेंटें निकालते थे। अगर कोई ऐसा आपके पास है जिसकी पेमेंट जो है 6 महीने से रुकी पड़ी है, आप फेडरेशन में मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं अपने व्यापारियों की पेमेंट की सुरक्षा करूं ताकि मेरे व्यापारी जो है स्ट्रांग हो, उसके हमारे उसके हाथ में है। मैं बहुत 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 इस चीज को बड़े बढ़िया आप अपने बात करना चाहते हैं हमारे VIP गेस्ट आने वाले हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो सुनना चाहता है तो आइए मोस्ट वेलकम। और जो इस टीम के मिशन मुलामा है जिन्होंने पूरा जीवन दिया है, मेरे माननीय सम्मानीय रत्नलाल गुप्ता जी जिनके और जिन्होंने मिशन ही पूरे वेयर हाउस को बड़े तरीके से कोई भी जम्मू शहर के ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमारा जो वेयर हाउस फेडरेशन जो है वो हर वक्त यहाँ पर तैयार रहता है। यहाँ पर इसी हाल में हमारे मेरे पिता सम्मान लक्ष्मण गुप्ता जी जो अन्य संगठनों के काम देखते हुए आज भी दायित्व निभा रहे हैं अलग अलग संगठनों के अंदर, हमारे साथी रहे कॉर्पोरेशन में प्रवीण गुप्ता जी, यहाँ लोक जी कर्मी प्रेसिडेंट सुरेंद्र जी मामदार प्रेसिडेंट और अलग अलग ट्रेड फेडरेशन के आए हुए सारे प्रेसिडेंट जय श्री। हमने सदा सदाकत की राजनीति की है। मोदी जी ने हमें